सत्य घटना 61। वृंदावन के जनमानस में एक सत्य घटना बड़ी ही प्रसिद्ध है। आइए आज थोड़ा सा समय निकालकर उस प्यारी सी सत्य घटना को सुनते हैं। सत्य घटना है एक वृद्धा की श्रद्धा के ऊपर। नमस्कार, स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। हर शनिवार और रविवार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं सत्य घटना पर आधारित एक कहानी, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। एक बार एक लड़की थी, उसे अपने घर के संस्कारों की वजह से लड्डू गोपाल की भक्ति मिली। उस लड़की की बड़ी आस्था थी लड्डू गोपाल में। वह लड़की हमेशा वृंदावन जाती थी और लड्डू गोपाल के दर्शन करके आती थी। धीरे धीरे वह बड़ी होती रही, पर उसने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी हो गई, पर उस लड़की का नियम कायम था। एक दिन जब वो लड़की बहुत बुढ़िया हो गई और उसके बस की चलने की नहीं रही, तो वह वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल की एक मूर्ति ले आई और घर में रहकर ही उनकी पूजा करने लगी। एक दिन पूजा करने के बाद उस बुढ़िया ने अपनी बहू से कहा कि बहू, इस मूर्ति को अंदर वाले कमरे में तो रख दे। तो उस मूर्ति को लेकर अंदर गई, पर गलती से वह मूर्ति उससे छूट गई। बड़ी जोर की आवाज आई। बुढ़िया घबराई घबराई चिल्लाई, क्या हुआ बहू? बहू बोली, कुछ नहीं माँ जी, केवल मूर्ति गिर गई है। यह सुनकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। वह रो रो कर यही चिल्लाए जा रही थी कि कोई जाओ और जाकर डॉक्टर को बुलवाओ, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई है, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई है। पहले तो बहू ने सोचा कि बुढ़िया नाटक कर रही है, पर जब काफी देर हो जाने के बाद भी वो चुप नहीं हुई, तो बहू को लगा कि बुढ़िया पागल हो गई है। अक्सर बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं ना। शाम को जब बुढ़िया का बेटा घर आया और उसे बहू ने सब समझाया, तो उसे भी लगा कि माँ सचमुच पागल हो गई है, भला मूर्ति के लिए भी कोई डॉक्टर आता है। फिर उसे अपने बच्चों का ख्याल आया और उसने निश्चय किया कि माँ को पागल खाने भेजना पड़ेगा, नहीं तो माँ के पागलपन का असर उसके बच्चों पर भी पड़ सकता है। उनके पड़ोस में ही एक बड़ा ही समझदार आदमी रहता था। जब उसके कानों तक यह बात पहुंची, तो उसने उस माँ के बेटे को बुलाया और उसे समझाया कि देखो बेटा, बुढ़ापा और बचपन दोनों एक जैसे होते हैं। जो आदतें बचपन में होती हैं, वही बुढ़ापे में। तू एक काम कर, जा और एक डॉक्टर को बुला ला। उसे पहले से ही समझा दियो कि तुझे एक मूर्ति का चेकअप करना है और बाद में यह बोलना है कि मूर्ति तो खत्म हो गई और उसमें अब जान बाकी नहीं है। जब उसे पैसे मिलेंगे तो भला उसे क्या दिक्कत होगी यह कहने में। इस तरह तुम्हारी माँ को पागल खाने भी नहीं जाना पड़ेगा और उसकी जिद भी पूरी हो जाएगी। बेटे को बात समझ में आ गई। वो गया और जैसा उस आदमी ने बताया था, एक डॉक्टर को समझा दिया। डॉक्टर भी राजी हो गया। अगले दिन डॉक्टर उस बुढ़िया के घर आया और घर में घुसते ही बोला, अरे बुढ़िया, कहाँ है तेरे लड्डू गोपाल? बुढ़िया ने मूर्ति को दिखाते हुए कहा, आओ डॉक्टर साहब, आओ, देखना जरा क्या हो गया मेरे लड्डू गोपाल को। डॉक्टर दूर से ही बोला, अरे बुढ़िया, इसमें तो जान बाकी नहीं है, यह तो खत्म हो गई है। बुढ़िया को गुस्सा आ गया। बुढ़िया ने डॉक्टर से पूछा, क्यों रे डॉक्टर, कितने साल हो गए तुझे डॉक्टरी करते हुए? डॉक्टर सकपकाया और बोला, 40 साल। पर क्यों? बुढ़िया ने कहा कि इतने साल हो गए तुझे डॉक्टरी करते हुए, पर इतना समझ नहीं आया कि मरीज को हाथ लगाए बिना उसकी बीमारी का पता नहीं चलता। अब डॉक्टर को लगा कि वो कुछ ज्यादा ही जल्दी अपना काम खत्म कर रहा है। उसने जाकर मूर्ति के हाथ की नब्ज देखी और कहा कि ले माँ, कुछ नहीं है तेरे लड्डू गोपाल में। बुढ़िया बोली, बेटा सही से देख, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने इस बार छाती को चेक करके देखा और फिर बोला, माँ कुछ नहीं है अब तेरी मूर्ति में, यह खत्म हो गई। बुढ़िया ने कहा कि बेटा वो जो मशीन होती है ना तुम्हारे पास, उससे चेक करके देख। डॉक्टर समझ गया कि बुढ़िया स्टेथोस्कोप की बात कर रही है। अब उसको पैसे मिले थे तो उसे क्या दिक्कत थी वो भी लगाकर चेक करने में? जवाब तो उसे पता ही था। उस डॉक्टर ने अपना स्टेथोस्कोप निकाला और उसको उस मूर्ति की छाती पर रखा। मूर्ति में से जोर जोर से धक धक की आवाज आई। डॉक्टर घबरा गया। उसने बार बार चेक करा और हर बार धक धक की आवाज आई। उस डॉक्टर ने उस बुढ़िया के पैर पकड़ लिए और बोला कि माँ, यह जो दुनिया तुझे पागल कहती है ना, असल में यह दुनिया पागल है।
जो इस मूर्ति के पीछे छुपी तेरी भावनाओं को नहीं देख सकी। इस मूर्ति में जान नहीं थी, यह तो तेरी श्रद्धा थी कि इस मूर्ति में भी जान आ गई। देखा मित्रों आपने, यदि खुद पर विश्वास और मन में ईश्वर के प्रति अगाढ़ श्रद्धा हो तो एक पर्वत को भी अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। आज के लिए इतना ही, हम जल्दी ही हाजिर होंगे इसी तरह की एक दूसरी अद्भुत सत्य घटना को लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और दूसरे भक्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा हमारे इसी तरह के दूसरे रोचक वीडियो देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।